क्लोज होते हो, ठीक है, तो उन्होंने स्टेटस लगा दिया, थोड़ा सा मतलब एक फीलिंग आती है अच्छी, है ना। बट हम लोग का दिक्कत क्या होती है, लड़कों में लड़की फटती है, सही बात है, तो ऐसे ही होता है हमारे साथ भी, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे मम्मी का गुस्सा तो नॉर्मल है, मम्मी ने गुस्सा किया रोजी करती रहती है, सिस्टम रिफ्रेश हो गया। बट बेटा जब पापा गुस्सा करते ना तो दहशत है, पूरा सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, ठीक है। तो समझ रहे हो, तुम लोगों को पता नहीं ना अभी, तुम लोगों ने जिंदगी जी नहीं अभी। तो तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ, क्या सुनाता हूँ किस्सा, नहीं बैठने की जरूरत नहीं है, खड़े होकर जो भावनाएं इंसान व्यक्त करता है वो फील कहीं नहीं आता फिर। तो हुआ क्या, बहुत छोटे थे, ज़्यादा भी नहीं, सिक्स क्लास में थे, तो भैया दशहरा का टाइम था ना, तो रावण वावण बनते हैं उसमें, तो तभी अब अलग अलग गुट होते हैं कॉलोनी में, आपको पता होगा, दो गुट मतलब एक ग्रुप यहाँ लड़कों का, एक ग्रुप वहाँ, अलग अलग ग्रुप्स, ठीक है। मतलब जैसे पुराने ज़माने में होते थे ना ट्राइब्स, आपस में लड़ाई होते थे, ये उग्रवादी, यस एग्जैक्टली। तो हुआ क्या, अभी सामने वाले से क्या होता है, अपना क्या कहता, चैलेंज लग जाता है भैया कभी कभी, ठीक है, चैलेंज लग जाता है कि भाई कौन किसका रावण फूकेगा। चलो चैलेंज नहीं भी लगा, फिर भी अपना रावण बनाया, ठीक है, रावण का फूकते हम लोग शाम को। बट हमने दूसरे ग्रुप के डर से कि वो हमारा रावण जला देंगे, उसको 3 बजे मैंने जला के साइड कर दिया। अब नज़र किस पे थी, उनके रावण में, रावण उनका था बट उसका राम कौन था, जलाना उसको हमने था। तो 2-3 लोगों ने ऐसे पैन में ना के उसको बिल्कुल, अभी गलती कर दी हमने जलाते हुए, हमने जलाते हुए देखा कि वहाँ पर उनकी मतलब थोड़ा बाइक और साइकिल वाइकल रखी हुई थी, तो थोड़ा गद्दी बद्दी बाइक की साइकिल वाइकल जल गई उस, मतलब बहुत साल पहले की बात है, बाइक महंगी आती थी भाई, तो बाइक जलना मतलब ऐसा होता कि मतलब समझ रहे हो, मतलब गुर्दे चल जाना, इतनी फील आती लोगों को। अब वो, अब वैसे तो तुमको पता ही, मैंने सब बताया इनको, भगवान ने इतना अच्छा रंग दिया मेरे को, अंधेरे में दिखता नहीं है, लेकिन उस दिन मतलब संयोग ऐसा था कि छत में मुहूर्त था, वो संयोग था वो कि छत में एक बालक घूम रहा था पड़ोसी, वो हमारे दुश्मन क्लैन का था, तो उसने मेरे को देख लिया। बस फिर क्या था, हल्ला मच गया, राहुल ने जलाया। अब मैं आराम से नहा रहा था उस दिन, एक हफ्ते बाद नहा रहा था मैं, दशहरा था ना, संयोग था, बता रहा था उसने, संयोग था, मैं नहा रहा था, ठीक है। अभी तुमको बताया, फौजी आदमी एक दिन की छुट्टी मिलती है, आराम से काटा जाता है छुट्टी को, है ना, तो एकदम बिल्कुल एग्रेसिव में रहता है कभी कभी, है ना। तो अब मैं नहा रहा था आराम से, वो लड़की गेट पे आ गया, बोला अंकल राहुल ने हमारा रावण फूंक दिया। अभी क्या है, तो पड़ोसी दूसरा लड़का कहता है कि नहीं अंकल अभी कंफर्म नहीं है कुछ, देखते हैं। तो पापा एकदम कॉन्फिडेंस, वही होगा, उनको पता है ना वही हो सकता है, पूरे चांसेस हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं आराम से नहा रहा हूँ बाथरूम में मस्त, ठीक है। एक तो ये मेरा आम का पेड़ है, इसे जितनी गाली दो उतना कम, क्यों, ये हर 2 साल में बड़ा होता है, इसके ऊपर 11,000 वोल्ट की लाइन जा रही है, तो लकड़ी बड़ी जाती है उसमें, तो बार बार हर साल लकड़ी काटनी पड़ती है, और वो लकड़ी मारने के काम आती है, तो ये भी बड़ी दिक्कत थी। अब मैं नहा रहा हूँ, पापा ने बड़े आराम से आवाज़ लगाई, गेट में आया। अब मुझे क्या लगा कि होता क्या था, मैं जब नहाता था ना बचपन में, मैं बहुत बार टॉवल बाहर छोड़ देता था, तो मुझे लगा पापा टॉवल दे रहे हैं। अब हाथ में डंडा, जैसे ही मैं, समझ रहे हो, ऐसे खोला, अब मैंने ऐसे हाथ किया बाहर टॉवल के लिए, मैंने सिर्फ मैंने शॉर्ट्स पहने हुए थे, मतलब लंबे वाले घुटने तक भाई, ठीक है, ज़्यादा गलत नहीं, ठीक है, कुछ लोग ऐसे गलत सोच सकते हैं, मतलब घुटने तक पहने हुए थे शॉर्ट्स, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने घुटने तक वो शॉर्ट्स पहने थे, फिर मैंने ऐसे हाथ दिया, मुझे लगा भाई पापा बाहर से तौलिया पकड़ाएंगे, ऐसे पकड़ा हाथ बाहर खींच दिया। उसके बाद मतलब पापा के शरीर में एक अलग ही ऊर्जा थी, अपनी पूरी ऊर्जा को पापा ने मतलब संचालित किया, और वो जो आम की डंडी थी बड़ी सी, उस पर झकझोर के भाई जो मारा और जो धुनाई हुई, ऊपर से मतलब फुल सीन चल रहा था। जैसे मारते मारते गेट तक लाए, अब भाई देखो मैं अकेले इतनी बड़ी बेइज्जती सह नहीं सकता था, तो मैंने क्या किया, जो साथी था मेरा, मैंने बोला वो भी तो था, है दोनों हैं साथ में, बट उसकी फिर भी इज्जत बच गई, उसने बनियान पहनी हुई थी भाई, दोनों को मारते 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 ले गए वहाँ तक। लेकिन फिर एक चीज़ रियलाइज हुई, उस दिन हमने जो मार खाई ना, रात को जो सुकून की नींद आई, और जब मैं सुबह उठा तो पूरा सॉफ्टवेयर अपडेट था मेरा, मतलब हाँ पूरा मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट, सुबह एकदम रिलैक्स, बिल्कुल चिल। और आजकल के बच्चे देखो पबजी खेल खेल के आंखें थकी हुई, नींद नहीं आ रही घर से, तसल्ली से घर वालों से मार खाओ, बिल्कुल तसल्ली से, और फिर देखो जो तुम्हें नींद आएगी ना, सुकून की नींद, पूरा मेडिटेशन हो जाएगा, पूरा सॉफ्टवेयर, समझ रहे है, फ्रेश। इसलिए बोलता हूँ बेटा, बाप का प्यार, बाप का तो प्यार तो ठीक है बेटा, गुस्सा बेटा तुम्हारे लिए गुस्सा बेटा, हम लोगों के लिए क्या दहशत है वो, समझ रहे हो, मतलब समझ रहे हो।
है।